सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो जिस सिस्टम्स में हमने पढ़ा, एक्चुअली स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम हमने पढ़ा है, तो उसके बाद जो आज हम कवर करेंगे, पहला होगा इसमें स्टेबल एंड नॉन स्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा होगा, जो आप कह रहे हो लेकिन मैंने वीडियो भेजा हुआ, मैंने आपको बोला था वो देखना, तो है क्या छुम सूक्ष्म सचन में पाए किए नॉन कॉजल सिस्टम, और अगर टाइम मिला तो टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट भी पढ़ लेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर अलाउड, सारे आ चुके हैं क्लास, कोई नहीं है वेटिंग में। तो चलिए स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स को देखते हैं क्या होता है। स्टेबल सिस्टम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। स्टेबल सिस्टम मैं एक कंडीशन होती है उसको बोलते हैं बीबो, BIBO, दैट इज बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट सिस्टम। आप लोगों को पता है सिस्टम होता है जो प्रोसेस करता है इनपुट और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं सिस्टम को यहां से फाइनाइट इनपुट दूंगा और वो आउटपुट पे भी मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो इनफिनिटी नहीं जाए, जो एक फाइनाइट लिमिट्स में रहे, तो मैं कहूंगा स्टेबल सिस्टम। लेकिन तब इफ आई एम गिविंग फाइनाइट इनपुट, ऐसा नहीं है कि मैं इनफिनाइट दूंगा इनपुट में तो मैं देखूं, नहीं, मुझे फाइनाइट इनपुट देना है सिस्टम को और मुझे देखना है कि वो प्रोसेस करे उसको और जो आउटपुट प्रोड्यूस करे वो फाइनाइट ही हो। किसको आवाज नहीं आ रही है, कितनों को आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड, अब आ रही है आवाज? ओके, तो मैं कह रहा हूं स्टेबल सिस्टम एंड अनस्टेबल। स्टेबल सिस्टम होता है बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट सिस्टम होता है, मतलब जो मतलब फॉर एग्जांपल से मैंने आपको बोला था ये एक सिस्टम है, सिस्टम होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो या तो मल्टीप्लाई बाय टू, डिवाइड बाय टू, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, प्लस टू, माइनस टू, कुछ भी करेगा। अगर मैं इसको फाइनाइट वैल्यू इनपुट में दे रहा हूं, अगर मैं इसको फाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं, विच इज नॉट इन्फिनिटी, फाइनाइट वैल्यू, एनी वैल्यू, एंड इफ इट गिव्स मी एन आउटपुट दैट्स ऑल्सो फाइनाइट, तो मैं कह सकता हूँ ये जो हमारा सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम है। तो इसको बोलते हैं फॉर स्टेबल सिस्टम आउटपुट शुड बी बाउंडेड बाउंडेड और फाइनाइट, या तो बाउंडेड या तो फाइनाइट होना चाहिए। बाउंडेड मतलब दो वैल्यूज के बीच में, और फाइनाइट फॉर फाइनाइट इनपुट एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट, हर एक टाइम इंस्टेंट पे, एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट, प्लीज नोट दिस, हर एक टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट बाउंडेड होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। अब चलते हैं देखते हैं अनस्टेबल सिस्टम होता क्या है। अनस्टेबल सिस्टम का मतलब अगर मैं फाइनाइट इनपुट दे दूं और मुझे आउटपुट पे इनफिनिटी की ओर जाए सिग्नल, तो मैं कह सकता हूं जो हमारा ये है सिस्टम दैट इज अनस्टेबल, which gives me unbounded output
एट एनी टाइम इंस्टेंट। वहां पे आपने देखा जो हमारा स्टेबल था वो हर एक टाइम इंस्टेंट पे स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर जो कोई सिस्टम जो मुझे किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे अनबाउंड होता है या टाइम इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, तो मैं कह सकता हूं ये सिस्टम अनस्टेबल है, फॉर बाउंडेड आउटपुट या फाइनाइट सॉरी इनपुट। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं यहाँ ये मेरा सिस्टम है और मैं इसको दे रहा हूँ इनपुट कोई फाइनाइट वैल्यू, मान लो कोई भी फाइनाइट वैल्यू, 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, लेकिन ये किसी एक टाइम इंस्टेंट, एक ही टाइम इंस्टेंट पे मुझे इन्फिनिटी दे रहा है एक टाइम इंस्टेंट में, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा अनस्टेबल सिस्टम है। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब। देखो मान लो मेरे पास एक ऐसी वेव देखो ये मेरी है साइन वेव, मैं इसको लिख रहा हूं साइन ऑफ टी, ये है वाई और ये है टी। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा +1, इसका मिनिमम वैल्यू होगा -1। देखो इसका वैल्यू चाहे अगर मैं टी को टी कितना भी दूर जाऊं कहीं पे भी जाऊं, मेरा जो वैल्यू है साइन ऑफ टी का वो आएगा बिटवीन +1 एंड -1, इन दो वैल्यूज के बीच में आएगा। सही है तंशु, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कहीं पे बीच में है +1 और यहाँ पे, लेकिन ना +1 से ज्यादा जाता है ना +1 से माइनस आता है, कहीं भी इनफिनिटी की ओर नहीं जाता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये स्टेबल सिस्टम। अब अगर ऐसे लूं एक सिस्टम, मैं ले लेता हूं वाई इक्वल्स टू टी, मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है, मतलब जैसे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, मतलब एक ऐसी सी। देखो अब 1 पे है ये, 2 पे, 3 पे, अब देखो कहीं दूर जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा। तो ये जो दूसरा सिस्टम है ना ये अनस्टेबल है, क्या है? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये कहीं दूर टाइम पे, बहुत ज्यादा टाइम पे जाके इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए, हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सही करता हूँ रिप्लाई, 4-5 बच्चे क्लास में रिप्लाई करना चोर। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, अनस्टेबल को रिपीट करना है। ओके अनस्टेबल मैंने बोला एक ऐसा, जैसे मैंने एक सिस्टम लिया, मैंने बोला जो आउटपुट है ना वो बाउंडेड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब देखो अगर मैं मान लो ये जो मेरा है ये बड़ा, ये कहीं पे ये ऐसे बढ़ रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, जब मैं जितना जितना मैं दूर जाऊंगा ना उतना उतना ही ऊपर, बहुत दूर जाके ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये बहुत ज्यादा ऊपर गया होगा, तो तब इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये मेरा अनस्टेबल सिस्टम है। अगर ये ऊपर जाके कहीं पे ऐसे हो जाता ना तो मैं बोलता ही स्टेबल, क्योंकि ये मतलब ये किसी ये इन्फिनिटी की ओर नहीं जा रही है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे स्टेबल हो गया था। मैं लेकिन ऊपर ऊपर चल रहा है, कह सकता हूँ ये जो हमारा वैल्यू है ये अनस्टेबल, ये जो हमारा सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है। आगे चलने से पहले आपको याद होना चाहिए, देखो सिस्टम जो होता है, मैंने पहले में भी कहा है, जो हमारा सिस्टम होता है इसको जो होता है इनपुट, इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ टी एंड जो आउटपुट है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय वाई ऑफ टी, ये कैसा सुन पाए। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम्स आर स्टेबल और अनस्टेबल। देखो सबसे पहला वाई ऑफ टी
इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस टू। देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने स्टेबल सिस्टम की डेफिनेशन बोली कि अगर मैं इसको फाइनाइट इनपुट दूंगा मुझे फाइनाइट आउटपुट भी मिलना चाहिए एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट। मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स ऑफ टी को मैं एक फाइनाइट वैल्यू ले लेता हूँ 10, तो वाई ऑफ टी कितना आएगा, 10 प्लस 2 वो आएगा 12 के बराबर। दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ, लेट एक्स ऑफ टी इक्वल टू 100, वाई ऑफ टी कितना आएगा, 100 प्लस 2 दैट इज 102। लेट एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1000, तो वाई ऑफ टी विल बी 1000 इंटू। चाहे मैंने ये वैल्यू लिया, ये वैल्यू लिया, ये वैल्यू लिया, जब 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 मैंने फाइनाइट इनपुट लिया तो मेरा जो आउटपुट है वो भी, वो तीनों केसेस में फाइनाइट आया। तो स्टेबल सिस्टम की डेफिनेशन ही ये है कि अगर मैं फाइनाइट इनपुट लूं मुझे फाइनाइट आउटपुट आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि ये कहीं मतलब मैं कितना भी एक्स ऑफ टी को मैं कुछ भी ले लूं तो ये जो मेरा है ये फाइनाइट ही आ रहा है। इस सिस्टम को मैं बोल सकता हूँ ये हमारा स्टेबल सिस्टम है, ये क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं। नोट है जो स्विच स्विच बना हुआ है, जो हमारा दूसरा पार्ट है दैट इज वाई ऑफ टी है टी इंटू एक्स ऑफ टी। देखो अभी एक्स ऑफ टी मैंने अभी जब मैंने सिस्टम डिफाइन किया ना, लेकिन मैं बोलते हैं कि ये जो मेरा है एक्स ऑफ टी है और ये जो यहाँ से आ रहा है, ये जो यहाँ से निकल के ये वाई ऑफ टी है, दैट मीन्स ये मेरा इनपुट है ये मेरा आउटपुट है। एक्स ऑफ टी जो है ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। देखो अब मैं ले लेता हूं लेट एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो वाई ऑफ टी किसके बराबर आएगा, वाई ऑफ टी आएगा टी इंटू 10 के बराबर, ठीक है। देखो लेकिन अब एक चीज है, जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाऊंगा वाई ऑफ टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वाई ऑफ, अगर मैं टी मतलब अब मैं इसका जिसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा ही, 10t का ग्राफ बनेगा। अगर आप देखोगे सुबह की देखो टी को 1 लूंगा तो ये 10 आएगा, टी को 2 लूंगा तो ये 20 आएगा, लेकिन जब आगे बहुत जाऊंगा, मान लो मैं टी बहुत दूर पहुंच गया तो ये मुझे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्या करेगा, टी एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाई ऑफ टी विल टेंड टू इन्फिनिटी। जो मैंने स्टेबल का ग्राफ दिखाया था ना साइन वाला, देखो मैंने वो ऐसे दिखाया था, चाहे हम टाइम कितना भी जाएं ये जो आउटपुट का वैल्यू ये -1 और +1 के बीच में, तो मैंने कहा ये स्टेबल है, लेकिन ये जो है जितना मैं दूर जाऊंगा ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसलिए जो हमारा दूसरा सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है। क्या है, अनस्टेबल सिस्टम। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। और आप ये याद रखना जहां पे ये टाइम आएगा ना बाहर, ये जो ये है ये आएगा बाहर कि या ना बरकुन, ये अनस्टेबल सिस्टम है। सर इसमें इनफिनाइट इनपुट ओ क्या है ना, मतलब समझ नहीं आया मुझे, तब आपने आपको अनम्यूट करके पूछो। सर इसमें ये इनफाइनाइट है ना इनपुट पे, अगर हम देंगे तो फिर आउटपुट पे भी आएगा ना क्या क्या क्या, मतलब समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो सर? मतलब ये कि अगर
इस पे अगर टी पे देंगे हम वन, तो फिर सर वो फिर आउटपुट पे बढ़ता है ना, फिर वो इनफाइनाइट पे जाता है ना वही तो बोल रहे हैं, अनस्टेबल सिस्टम है ना। सर। मगर वो तो स्टेबल की डेफिनेशन है ना, इनपुट पे ये इनफाइनाइट और आउटपुट पे भी इनफाइनाइट। नहीं वो मैंने नहीं, स्टेबल की डेफिनेशन ये है कि अगर इनपुट पे हम देंगे फाइनाइट वैल्यू तो आउटपुट पे भी फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट फाइनाइट को इसमें इनफिनिटी आइस किया, इनफाइनाइट नहीं अच्छा की। ठीक है सर। यस सर, यस सर, ओके सर। ओके ओके। थर्ड क्वेश्चन है, म्यूट करो मुझतब आपने। थर्ड वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टी। जरा कोई ऐसे बताओ क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल। टी को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, एक्स ऑफ टी को कांस्टेंट लेंगे क्योंकि एक्स ऑफ टी हमारा इनपुट है। कोई बता दो ऐसे स्टेबल अनस्टेबल। मुश्तबा मुश्तबा कैसे अनस्टेबल वो भी बताओ। सर इसमें साइन ऑफ टी है ना, हाँ साइन से ये इन्फिनिटी को जाएगा ना फिर सर। नहीं, स्टेबल वाले गलत हैं। अब देखो कैसे है अनस्टेबल। मैंने जब आपको स्टेबल और अनस्टेबल की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको बोला जो स्टेबल सिस्टम है वो हर एक जगह पे स्टेबल होना चाहिए। तो अनस्टेबल सिस्टम है वो अगर एक भी टाइम इंस्टेंट पे क्या हो गया, अगर एक भी टाइम इंस्टेंट पे वो हो गया अनस्टेबल, तो वो स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल है। मैं क्या करता हूँ, एक्स ऑफ टी ऑन इनपुट, टी मेरा टाइम है, डोंट कंफ्यूज, एक्स ऑफ टी इज माय इनपुट, आई हैव टू टेक इट एज फाइनाइट, लेट एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 10, 10 एक फाइनाइट वैल्यू है, वाई आएगा 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी। अब जो है अगर मैं टी को ले लेता हूं 0 पाई 2 पाई 3 पाई या कोई भी वैल्यू विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0, 2 पाई 3 पाई सारे 0। दैट मींस अगर मैं यहां पे ले लू आउटपुट को, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी। अब जो है एट टी इक्वल्स टू पाई, तो वाई ऑफ पाई क्या आएगा, वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 0। वाई ऑफ पाई क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0, वो क्या हुआ इनफिनिटी। दैट मींस एक ऐसा वैल्यू है, कुछ ऐसे वैल्यू है जहां पे मुझे आउटपुट क्या जा रहा है इनफिनिटी की ओर, तो मैं कह सकता हूँ ये सिस्टम भी अनस्टेबल सिस्टम है। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में बताइए। सारे फटाफट मुज्तबा उरूजा फैजान, चलिए आगे चलते हैं। ओके okay. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच इज y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी। देखो तला वही नहीं, मैं क्या बॉक्स में क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल पूछ तो वाजिद, आपने आपको अनम्यूट करो, म्यूट करो। अनस्टेबल स्टेबल स्टेबल इट्स स्टेबल, ये स्टेबल है कॉज फाइनाइट वैल्यू इज गुड। जीरो चु फाइनाइट, जीरो चु इनफाइनाइट के, जीरो अगर ये ना दैट्स फाइनाइट,
मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लेते हैं हम इनपुट को कोई फाइनाइट वैल्यू ले, लेट x of t equals to 10, तो y of t आया 10 into sin of t। अब देखो जो sin of t है आप लोगों को पता है इसे कहते हैं, ये ऑसलेट करता है जब sin of t की बात कर रहा हूं, दिस ऑसलेट्स बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन। जब मैं 10 टाइम्स sin of t करता हूं ना, तब क्या है सिर्फ अब ये प्लस 10 और माइनस 10 में ऐसे ऑसलेट करेगा। जो पहले वैल्यू माइनस 1 एंड प्लस 1 के बीच में ऑसलेट कर रहा था, अब वो प्लस 10 और माइनस 10 पे ऑसलेट करेगा। ना प्लस 10 से ज्यादा जा रहा है ना प्लस माइनस 10 से नीचे आ रहा है, इन्फिनिटी को कहीं पे भी टेंड नहीं करेगा। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम है। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आप लोगों ने, आप सब लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी, क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल वो मुझे चैट बॉक्स में ही बताओ। यू ऑफ टी, इज यू ऑफ टी स्टेबल और अनस्टेबल? यू ऑफ टी सारे बताओ, यू ऑफ टी, बस अनम्यूट करके बताओ यू ऑफ टी क्यों स्टेबल है। बस सर उसमें वैल्यू जो होता है जो जीरो और वन के बीच में आते हैं, जीरो या वन होता है। जीरो और वन में कहाँ होते हैं, क्या हो गया? सिर्फ वन पे होते हैं वैल्यू, जीरो या वन होता है। जीरो कहाँ पे होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, क्या हो गया आपको? सिर्फ जैसा वन, यू आर राइट स्टेबल, बट इस हर जगह पे वैल्यू वन है, जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू वन है, कहीं पे ये इन्फिनिटी की ओर नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियो बोला था देखने के लिए, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम क्या होता है और नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो सिंपल है, स्टैटिक एंड डायनेमिक की तरह भी है। अगर जिसको स्टैटिक एंड डायनेमिक समझ में आया होगा, हमने बोला था स्टैटिक एक ऐसा सिस्टम है जो आउटपुट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आउटपुट को चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनपुट को भी लेना, मतलब y ऑफ 2 के साथ x ऑफ 2 से बराबर। अब अगर वो आया x ऑफ माइनस 1 या x ऑफ प्लस 1 तो हम बोलते थे ये डायनेमिक है क्योंकि ये पास्ट वैल्यू है, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है, तो हम बोलते थे ये हमारा डायनेमिक सिस्टम है। अब जो उसी को आगे चलते हुए हम लेंगे, एक सेकेंड, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम हम देखते हैं। देखो ये मेरा सिस्टम है, इसको आउट इनपुट मिल रहा है x ऑफ t और आउटपुट है y ऑफ t। देखो अगर मैं y एट 1 चेक करूंगा, अगर मैं y एट 1 और वो अगर ऑफ x ऑफ 1 का कोई फंक्शन है x ऑफ 1, तो मैं कह सकता हूं ये हमारा सिस्टम स्टैटिक है जो हमने आप परसों पढ़ा। अगर मैं y एट 1 चेक करूं, अगर वो डिपेंड कर रहा है x ऑफ माइनस 1 और x of plus 1, या तो देखो मैं 1 पे चेक करूं या तो माइनस 1, माइनस 1 क्या है 1 से पहले, तो हम इसको हम बोलते हैं पास्ट वैल्यू, और इसको प्लस 2 लिख लेता हूं मैं, प्लस 2 इज अ फ्यूचर वैल्यू। अगर वो इन दोनों में से किसी पे भी डिपेंड कर रहा है तो हम इसको बोलते थे डायनामिक सिस्टम, बोलते थे
डायनामिक सिस्टम। अब जो कॉजल एंड नॉन कॉजल है ऑलमोस्ट सेम है, फर्क इतना है, देखिए क्या है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ y at 1 चेक कर रहा हूँ, अगर वो मुझे आया x of 1 आया, या आया x of minus, या आया x of minus, ये है present, ये है हमारा past, ये है हमारा past। अगर जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट या पास्ट वैल्यू पे, इस सिस्टम को हम बोलेंगे कॉजल। और अगर जो अगर मैं y at 2 चेक करूंगा, क्या करूंगा y at 2 चेक, और वो मेरा डिपेंड करता है किस पे, y at मान लो प्लस 3 पे, तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सिस्टम है ये नॉन कॉजल है। 30 मिनट हो गए, हम नई लिंक जनरेट करते हैं, मैं क्लास में नई लिंक सेंड करता हूँ, आप जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है।